सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा खाली किए गए बंगलों के बाद मायावती अपने नए बंगले में प्रवेश कर चुकी हैं। मायावती ने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नए बंगले में की है। इस नए बंगले में मायावती ने अपने पुराने इतिहास में जब उन्होंने मुख्यमंत्रित्व में शपथ ली थी उन तमाम तस्वीरों को लगा है। कहा जाए कि पुरानी भव्यता जो बंगले में थी वही भव्यता इस बंगले में भी लाने की कोशिश की है। तमाम ऐसे संस्मरण हैं दलित आंदोलन से जुड़े हुए, जब मायावती ने किस तरीके से दलितों की राजनीति करते हुए एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुँची, किस तरीके से दलित आंदोलन से जुड़े महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं, काशीराम हो, तमाम राज्यपालों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, तो कहा जा सकता है कि मायावती ने अपने इस नए बंगले में भी पुराने बंगले की भव्यता को लाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ आज इस बंगले में प्रवेश करने के दौरान मायावती ने सफाई भी दी कि ये बंगला उनके उन दलित शोषितों और आदिवासियों के दी गई गिफ्ट के पैसे से खरीदा गया है। जब उन्होंने बीजेपी से गठबंधन की सरकार से किनारा किया था तब उनके लोगों ने, उनके दलित समाज के लोगों ने उनका साथ दिया, उनको गिफ्ट दिए और उसी पैसे से उन्होंने न सिर्फ लखनऊ बल्कि दिल्ली में भी ऐसे ही बंगले खरीदे थे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।